ब्रिटेन की महारानी क्वीन एलिजाबेथ टू के देहांत के बाद उन्होंने सब तो वड्डे बेटे किंग चार्ल्स ने पहली बार ब्रिटेन नूं संबोधन किया। भावुक किंग चार्ल्स थ्री ने कहा कि 1947 अपने 21वें जन्मदिन ते क्वीन एलिजाबेथ ने केप टाउन तो कॉमनवेल्थ तक एक प्रसारण दे विच इह सौं खादी सी कि वह अपने लोगों की सेवा दे लई अपना जीवन समर्पित कर देंगे अते उन्होंने अजिहा ही किया। किंग चार्ल्स ने कहा कि अज मैं दुख दियां भावनावां दे नाल इह कह रहा अपने पूरे जीवन दे विच महाराणी मेरी प्यारी मां मेरे अते मेरे पूरे परिवार लई इक प्रेरणा अते उदाहरण सन। उन्होंने कहा कि एक वादे तो वध होर कुछ भी नहीं सी। किंग चार्ल्स ने कहा कि महारानी एलिजाबेथ एक चंगे जीवन नू जोन दी उदाहरण पेश करदे सन। क्वीन एलिजाबेथ ने अपना हर एक वादा वफा कीता। उन्हां दे देहांत दे नाल सब नू बहुत दुख होया। प्रिंस चार्ल्स ने भी अपनी मां दी तरह वादा कीता कि वह अपनी जिंदगी लोकां नू समर्पित करदे ने। On behalf of all my family, I can only offer the most sincere and heartfelt thanks for your condolences and support. They mean more to me than I can ever possibly express. And to my darling mama, as you begin your last great journey to join my dear late papa, I want simply to say this. Thank you. Thank you for your love and devotion to our family and to the family of nations you have served so diligently all these years.